ब्रिटेन के पीएम के तौर पर जब ऋषि सुनक के नाम का ऐलान हुआ तो चारों तरफ उनकी वाहवाही हुई। सबसे कम उम्र में पीएम बनकर उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है, लेकिन इन तारीफों के साथ ही ऋषि सुनक विवादों में भी खूब रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि ऋषि सुनक कब कब फंसे और कहां कहां आलोचनाओं के शिकार हुए। नो वर्किंग क्लास फ्रेंड। 2001 में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज मिडिल क्लासेस देयर राइज एंड स्प्रॉल में ऋषि सुनक अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहे थे। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनके पास मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का कोई दोस्त नहीं है। उन्होंने कहा था कि उनके सभी दोस्त एलीट क्लास से हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी गलती सुधारी, लेकिन तब तक उनकी ये वीडियो क्लिप वायरल हो चुकी थी। ऋषि सुनक की ये वीडियो पिछले चुनाव में काफी वायरल हुई थी। वीडियो वायरल होने पर लेबर पार्टी के सांसदों ने जमकर आलोचना की थी और उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल भी किया था। पेट्रोल पंप विवाद। इस साल मार्च में वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए ऋषि सुनक ने कार में पेट्रोल भरते हुए अपनी एक फोटो ट्वीट की थी। उन्होंने लिखा था कि दाम घटने के बाद ये अपनी कार में पेट्रोल भर रहे हैं। हालांकि बाद में पता चला था कि तस्वीर में जो कार थी वो ऋषि सुनक की नहीं थी, बल्कि सेंसबरी सर्विस स्टेशन के कर्मचारी की थी। कार की पोल खुलने के बाद ऋषि सुनक की इस बात को लेकर काफी आलोचना हुई थी कि उन्होंने पेट्रोल प्राइस में कटौती का प्रचार करने के लिए ये सब किया था। कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट करना नहीं आता। कार में पेट्रोल भरने के बाद भी ऋषि सुनक सुपरमार्केट में कोक लेने गए, लेकिन वहां भी उनकी छीछा लेदर हो गई। तब वे ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट कैसे किया जाता है। कोक के कैन के साथ जब ऋषि सुनक पेमेंट करने काउंटर पर पहुंचे तो बार कोड रीडर के सामने अपना कार्ड स्कैन करने लगे, जबकि उन्होंने कोक के कैन पर बना बार कोड स्कैन करवाना था। हालांकि बाद में उन्होंने ये स्वीकार किया कि उन्हें नहीं पता था कि कॉन्टैक्ट लेस मशीन का इस्तेमाल कैसे होता है। अक्षता की नागरिकता पर सवाल। ऋषि सुनक की पत्नी और इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति ने अभी तक ब्रिटेन की नागरिकता नहीं ली है। इस बात को लेकर वे पहले ही निशाने पर आ चुकी हैं। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षता ने टैक्स बचाने के लिए ब्रिटेन की नागरिकता नहीं ली है। अपना नॉन डोमिसाइल स्टेटस बरकरार रखने के लिए वे हर साल £30,000 चुकाती हैं। जो लोग ब्रिटेन के नागरिक नहीं है उन्हें वहाँ अपनी कमाई पर टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। अक्षता को इन्फोसिस के डिविडेंड से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई होती है। रूस का खूनी पैसा। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ऋषि सुनक ने ब्रिटिश कंपनियों से रूस में अपना कारोबार बंद करने और निवेश रोकने का आग्रह किया था। इस मसले को उठाकर ऋषि सुनक फिर विवादों में घिर गए, क्योंकि इन्फोसिस रूस में अपना कारोबार जारी रखना चाहती थी और अक्षता की इस कंपनी में हिस्सेदारी है। अक्षता इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी है। यूक्रेन ने भी इस पर सवाल उठाए थे। सांसद लेसिया वालिलेंको ने कहा था कि हर कंपनी के पास पैसा बनाने का विकल्प होता है। आप हमेशा की तरह कारोबार चला सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको ये मानना होगा कि ये खूनी पैसा और खूनी कारोबार है। कोक की लत। ऋषि सुनक ने दो स्कूली बच्चों के साथ एक इंटरव्यू में जोरदार ढंग से कहा था, मुझे कोक की लत है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि मेक्सिकन कोक उनका पसंदीदा था। जैसे ही बच्चे हंसने लगे तो उन्हें एहसास हो गया कि उनकी बात का बिल्कुल अलग मतलब निकाला जा रहा है, तो उन्होंने तुरंत सफाई देते हुए कहा था कि कोई गलतफहमी ना हो, वो कोका कोला एडिक्ट थे। तो ये थे वो विवाद जिनकी वजह से ऋषि सुनक की खूब किरकिरी हुई। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।